उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी दो टुकड़ों में बंट गई है। सुलह की सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई। वहीं अब समाजवादी पार्टी में साइकिल को लेकर जंग छिड़ी हुई है। लड़ाई इस बात को लेकर कि साइकिल चुनाव चिन्ह का हकदार कौन है। मुलायम और अखिलेश दोनों ही इस पर अपना दांव जता रहे हैं। इस जंग को लेकर फिलहाल मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अमर सिंह और अखिलेश खेमे से राम गोपाल यादव दिल्ली में डेरा जमाए हैं। यहाँ भी जुबानी जंग जारी है। दिल्ली आते ही आज राम गोपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव पर जोरदार हमला बोला। जब उनसे पूछा गया कि 1 जनवरी को लखनऊ में हुए पार्टी अधिवेशन को मुलायम सिंह यादव ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है, तो इस पर राम गोपाल यादव ने कहा कि वो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो ऐसा करेंगे, हम भी पार्टी का संविधान जानते हैं। वहीं से पहले खबर ये है कि मुलायम सिंह यादव ने 5 जनवरी को समाजवादी पार्टी का होने वाला अधिवेशन स्थगित कर दिया है। शिवपाल यादव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। शिवपाल यादव ने कहा कि मैं मरते दम तक नेताजी के साथ रहूंगा, नेताजी ही पार्टी के अध्यक्ष हैं। वहीं समाजवादी पार्टी में जारी घमासान के बीच अमर सिंह भी लंदन से दिल्ली लौट आए हैं। दिल्ली लौटे अमर सिंह ने कहा कि वो मुलायम सिंह यादव के साथ हैं, मेरे लिए दल नहीं दिल जरूरी है, इसके लिए खलनायक भी बनना पड़ा तो मंजूर है। आपको बता दें कि कल अखिलेश यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अमर सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया था। वहीं बेटे अखिलेश के तख्ता पलट के बाद मुलायम सिंह यादव भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। खबर है कि अब चुनाव सिंबल को लेकर मुलायम सिंह यादव कानूनी राय ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में हजारों की संख्या में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव को हटाकर अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और मुलायम को पार्टी का संरक्षक घोषित किया था। तो अब साइकिल किसकी होगी और कौन इस पर सवारी करेगा, ये जंग चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। हालांकि दोनों ही खेमे साइकिल पर अपना अधिकार जता रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा इस पर सभी की निगाहें टिकी है। देखते रहिए डीबी लाइव।